हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं विकास मलिक, मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो इंडियन की करेंसी होती है ना, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे भाई जो यूक्रेन में कौन कौन सी करेंसी चलती है और क्या उसकी वैल्यू है। ठीक है, जैसे बच्चे काफ़ी बार आते हैं, जैसे यूक्रेन आ गए ना तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं भाई कहाँ पर हम पैसे एक्सचेंज करवाए और हमें कितनी वैल्यू मिलेगी। अभी रिसेंटली दो बच्चे आए थे इंडिया से, वो उन्होंने क्या किया, डॉलर कैरी करने के बजाय है ना वो इंडियन करेंसी लेके आ गए अपने साथ, और फिर बाहर आने के बाद तो आपको पता ही कौन सी करेंसी चलती है। आज वही हम दिखाएंगे आपको और दिखाते भाई इंडिया से जो करेंसी लेके आएंगे वो एक्सचेंज होती भी है या नहीं होती यहाँ पे और क्या उसकी वैल्यू है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहें। और भाई साहब सबसे बड़ी बात बताना भूल गया, ठंड काफ़ी हो चुकी है यहाँ पर अभी अपने, जहाँ पर इंडिया में 30-35 डिग्री सेल्सियस है ना तापमान, यहाँ पर लगभग है 10 से 15 डिग्री। ठीक है, और बहुत ठंड है, सुबह सुबह तो भाई घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है यहाँ। आज का तापमान है 13 डिग्री सेल्सियस। अभी मैं दिखाता हूँ, मेरे पास है $100। ठीक है, $100 की जो करेंसी है वो मैं एक्सचेंज करवा के दिखाता हूँ, इसमें हमें यूक्रेनियन कितनी करेंसी मिलेगी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए। ठीक है, ये एक मार्केट है यहाँ पे, हर जगह मतलब हर चौक चौराहे पे आपको मनी एक्सचेंज के ऑफिस मिल जाएंगे। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ सिर्फ मनी जो परमिट होता है ना, जिसके पास करेंसी एक्सचेंज करवाने का, सिर्फ उसके पास से ही करेंसी एक्सचेंज करवाए अपनी। तो दोस्तों ये आप हमारे पीछे देख रहे होगे ना, देखो ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस पर सारी जितनी भी करेंसी होती है ना उसकी वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पे सिर्फ 3-4 तरह की करेंसी को ही एक्सचेंज करवा सकते हैं। सबसे पहले आता है डॉलर, और फिर यूरो, और फिर आता है रूबल। ठीक है, और जो इंडियन करेंसी लेके आते हैं ना बच्चे, उनको मैं बोलना चाहता हूँ भाई सिर्फ जो इंडियन करेंसी होती है ना उसको हम एयरपोर्ट पर ही एक्सचेंज करवा सकते हैं। ठीक है, आज जो डॉलर का रेट चला हो ना, अगर आप $100 एक्सचेंज करवाते हो तो 26.60 रुपये, मतलब 2660 रुपये आपको यूक्रेन की करेंसी में मिलेंगे। वैसे हर इसकी अलग अलग वैल्यू दे रखती है। यूरो आपको मिलेगा 3110, अगर आप 100 यूरो देते हो ना इनको तो आपको 3110 रुपये मिलेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं करेंसी एक्सचेंज करवाने के बाद है ना, हम बैंक में भी इसको सबमिट करवाने जाएंगे कि मशीन से हम किसी दूसरे के पास कैसे पैसे भेज सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, जो $100 की वैल्यू होती है ना वो 2600 गिवना यहाँ पे हमें मिलती है, और ये हमें करेंसी मिले सबसे बड़ा नोट होता है इनका, 1000 का होता है लेकिन हमने बोल के 500 का लिया है। ये 500 के ही नोट मेरे पास है। ठीक है, और मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि भाई जो वैल्यू होते हैं यहाँ पे, जो नोट चलते हैं ना वो सिर्फ डॉलर चलते हैं, यूरो चलते हैं और रूबल चलते हैं, और जो इंडियन करेंसी लेके आएंगे ना बच्चे वो सिर्फ एयरपोर्ट पे ही चेंज करवा सकते हैं। $100 की वैल्यू होती है सिर्फ 2600 गिवना। देखो ये टर्मिनल है ना, आपको हर जगह मिल जाएगा, जो भी मॉल वगैरह होते हैं ना वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाता है। अगर किसी के अकाउंट में पैसे भेजने हैं ना तो आप इससे पैसे भेज सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया करेंसी एक्सचेंज कहाँ से होती है और कैसे हम इसको किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।